प्रथमेश क्या हाल है? हाय सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप क्या कर रहे हो यार शार्क टैंक इंडिया पे? मैं अपनी पूरी टीम के साथ आया हूँ, जिनकी एक कंपनी है थिंकरबेल, उनका एक डिवाइस मैं अंदर डेमोंस्ट्रेट करूंगा। शार्क टैंक इंडिया के बारे में क्या पता है आपको? जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो स्टार्टअप है या एस्टैब्लिश्ड है, जो भी है, वो लोग आते हैं यहाँ पे और शार्क सुन पे इन्वेस्ट करते हैं और एक दूसरे को काउंटर करके बताते हैं कि मैं इतना दूंगा और इतना परसेंट दूंगा। ऐसा अगर तुम्हें मुझे सिखाना होता क्या क्या सिखा दे? सर आप मुझसे बड़े हैं, मैं तो अभी आपके सामने बच्चा हूँ, अकल का कच्चा हूँ, जल्दी बड़ा होऊंगा तो पकूंगा। ये बातें इतनी कैसे करते हो यार तुम? मैं कोई स्क्रिप्टिंग करके नहीं आता कि हाँ मुझे यही बोलना है वही बोलना है, मेरे मन में जो आता है वो मैं तुरंत बोल देता हूँ। कोई फेवरेट शार्क है? अमन गुप्ता सर, वो बोट कंपनी के सीईओ और बोट के मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपको लग रहा है कि जिस टीम के साथ आप आज आए हो उनको इन्वेस्टमेंट मिल सकती है आज? सर आई एम रियली 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 श्योर कि उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल के ही रहेगी। आई एम कॉन्फिडेंट। शार्क्स, मेरा नाम अमन है। मेरा नाम दिलीप रमेश है। मेरा नाम संस्कृति है। और मेरा नाम सैफ। और हम सब थिंकरबेल लैब्स के co-founders हैं। WHO की माने तो 1 out of every 1,000 children needs what we make। इंडिया में 20 लाख से ज्यादा विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं और इनका लिटरेसी रेट बहुत कम है। हैरानी की बात यह है कि US जैसे देश में भी लिटरेसी रेट इज ओनली 10%। मतलब जिस देश में हर लिफ्ट में ब्रेल बटन्स होते हैं, वहाँ 10 में से सिर्फ एक बच्चा ब्रेल को पढ़ पाता है। और उसका रीजन है ब्रेल प्रोफेशनल टीचर्स की भारी कमी। ये प्रॉब्लम ग्लोबल है, तो हम ला रहे हैं एनी। एनी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ लर्निंग रिमोट इनेबल्ड ब्रेल लिटरेसी डिवाइस। एनी अपनी फ्रेंडली आवाज में बच्चों को अपनी मदर टंग में ब्रेल सिखाती है। एनी के साथ साथ हमारा एक लर्निंग इकोसिस्टम हीलियोस भी है, उससे बच्चों का प्रोग्रेस आप ट्रैक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं नया कंटेंट थ्रू ओवर द ईयर अपडेट्स। हीलियोस और एनी की मदद से मेनस्ट्रीम रेगुलर स्कूल्स में भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे बिना किसी प्रॉब्लम के पढ़ पाते हैं। और अब एनी का डेमो देने आ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, समवन हु नोज एनी बेटर देन ऑल ऑफ अस। आई लाइक टू इनवाइट प्रथमेश सिन्हा। हाय प्रथम। हाय। हाय शॉक्स। हाय। Welcome to Shark Tank, Prathamesh. नमस्कार शख्स, मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है, मैं पुणे से आया हूँ। जब लॉकडाउन में सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तब एनी की मदद से मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। एनी मेरे लिए सिर्फ एक स्मार्ट ब्रेल लर्निंग डिवाइस ही नहीं, बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी कंपेनियन भी है। सो अगर हम एनी के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विच है जिससे हम एनी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे एक लार्ज ब्रेल डिस्प्ले है जिसपे बड़े डॉट्स उभर कर आते हैं जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं उसके मुकाबले। फिर मेरे राइट साइड पे ये स्टैंडर्ड ब्रेल डिस्प्ले है जिसपे छोटे डॉट्स आएंगे हम जो पढ़ते हैं उसी की तरह। यहाँ बीच में ये स्पीकर है, यहाँ पे इसे नीचे चले तो यहाँ पे मुझे कीबोर्ड मिल जाता है जिससे मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, जहाँ पे 6 कीज है। ब्रेल स्क्रिप्ट 6 डॉट्स पे डिपेंड करती है और 6 डॉट्स का अरेंजमेंट है और उसी हिसाब से यहाँ पे कीज भी हैं, जैसे 1, 2, 3 फिर 4, 5, 6। की नंबर 3 के नीचे एंटर की है और की नंबर 6 के नीचे बैकस्पेस की है। अगर हम कीबोर्ड से थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पे एनी की ब्रेल स्लेट है जो कि एक डिजिटल ब्रेल स्लेट है जिसकी मदद से मैं राइटिंग सीख सकता हूँ। रीडिंग एंड टाइपिंग,
इसकी मदद से मैं रीडिंग टाइपिंग राइटिंग और वोकैबुलरी सीख सकता हूँ। इसमें लेसन्स और गेम्स और स्टोरीज भी हैं। सो अभी मैं आपको एनी पे एक लेसन करके दिखाऊंगा। ए लेटर टाइपिंग लेसन। ओहो गलत जवाब। इसने मुझे अभी रीट्रायल दिया। आई थिंक कुछ हुआ होगा। डोंट वरी जस्ट आई एम मैनेजिंग। एसक्यू 1 आई एम मैनेजिंग। एक अक्षर को टाइप करने के लिए टाइपिंग कीज पर दबाएं। अपना जवाब सबमिट करने के लिए स्पेस बार दबाएं। बहुत अच्छे। आई डिड इट। यस। थैंक यू शॉक्स टू फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट टाइम। आई होप यू लाइक माय डेमोंस्ट्रेशन। वी लव्ड इट। वी लव यू। थैंक यू शॉक्स। वेरी नाइस। प्रथमेश, मेरा नाम जानते हो? आवाज से पहचान रहे हो मैं कौन बोल रहा हूँ? अमन गुप्ता सर। थोड़ा आसपास समझ लो। अमन गुप्ता सर नहीं है, वो लंच कार्ड के। So cute. चलो तीन चार लोग में से हम ही एक है। अनुपम बोल रहा हूँ मैं। अनुपम okay. जानते हो हम क्या करते हैं यहाँ पर और कैसे करते हैं? जो एंटरप्रेनर्स होते हैं उनके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। Very good. आप शार्क की चेयर पे बैठना चाहोगे? ओके okay. आपकी उम्र क्या है? मैं 10 इयर्स का हूँ और मैं एक बार अमन गुप्ता सर से भी बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इधर ही अमन आ जाओ यार। सर आपको पता है हमारे पास ना आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब है, जैसे ईयरपॉड, हेडफोन, चार्जर, स्पीकर। जब भी मैं हेडफोन ऑन करता हूँ ना अपना तो ऐसी आवाज आती है, पावर ऑन। आफ्टर दैट जब मैं ऑफ करता हूँ, आई जस्ट मेक अ पावरिंग ऑफ। आप तो बिल्कुल उसी तरह बात करते हैं। एब्सोल्युटली राइट मैन, इट इज अमेजिंग। और सर मैं आपके साथ एक फोटो खिंचा सकता हूँ? बिल्कुल आइए। बिल्कुल आ जाओ। प्रथमेश, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? प्रथ सर मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूं। आपको लगता है एनी आपका आईएएस ऑफिसर बनने में मदद करेगा? इसका अपडेटेड वर्जन आता जाएगा तो क्या पता ऐसा वर्जन आ जाए जिसमें ये मदद भी करते। अरे वाह, तो आप भी शेयर होल्डर हैं क्या एनी में? ब्रांड एम्बेसडर। देखो आज अगर इनको फंडिंग मिल जाती है ना, आप इंश्योर करना आपकी ब्रांड एम्बेसडर की फीस बढ़ा दें। यस यस बिल्कुल। चलो प्रथमेश, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बाय बाय प्रथमेश। बाय बाय। तो गिवन द प्रोडक्ट एंड द मार्केट, हमारा टारगेट है इंटरनेशनल मार्केट्स। वी प्लानिंग टू डू व्हाट इंडियन आईटी डिड इन सॉफ्टवेयर, वी प्लानिंग टू डू दैट विद हार्डवेयर in the field of special needs education. हमने अमेरिका का लार्जेस्ट असिस्टिव टेक डिस्ट्रीब्यूटर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वैल्यू ऑफ $1.7 million। 1.7 million मतलब 12 करोड़। 12 से 13 करोड़। 12 से 13 करोड़। तो US के एकेडमिक ईयर पे 700 एनीस का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है। एनी का नाम US पे पॉली है। They truly believe in our vision और वो बोल रहे हैं कि ये ब्रेल लिटरेसी के लिए आईफोन मोमेंट है। Wow. And we are lucky to be backed by investors like Mr. Anand Mahindra, Mr. Raman Roy, IIM and LV. अब Thinkable Labs को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए we are looking for strategic investors and इसलिए Sharks हम आपको ऑफर करना चाहेंगे 0.5% इक्विटी फॉर 30 lakh rupees. आप चारों में क्या क्या काम कैसे डिवाइड करते हैं? कहने के तो सी सॉरी आई मीन कहने के लिए सर। मेरा मतलब ये है कि हम सब कुछ करते हैं। संस्कृति समझ जा, तुम्हारा पत्ता काटने वाला है। You can try. बताइए कौन क्या करता है? सभी काम करते हैं पर सीईओ संस्कृति है, अमन सीईओ, मैं सीटीओ और सैफ चीफ हार्डवेयर देखता है। वी आर ऑल इंजीनियर्स फ्रॉम बिट्स पिलानी। अच्छा, आप सब बिट्स पिलानी के? और हम जब कॉलेज में थे तब हम इस आइडिया पे काम कर रहे थे एंड देयर वाज अ कोर्स कॉल्ड न्यू वेंचर क्रिएशन वेयर यू फिगर आउट द वायबिलिटी ऑफ योर आइडिया। टेक फॉर गुड रहा है हमारा मोटो, हम सबका। दैट इज वन थीम दैट ब्रिंग्स ऑल ऑफ अस टुगेदर। ये टेक फॉर गुड जो आप कर रहे हैं ना, ये मेरा फेवरेट एरिया है। ये वाला जो डिवाइस है, ये कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए है? क्या कितनी एज तक के बच्चों के लिए? एज इज 4 to 15 तक का डिवाइस है। क्या मोबाइल फोन होता है सबके पास जो एक सेंटर ऑफ डिवाइस बन गया है?
तो मेरे को जो भी सीखना है मैं मोबाइल फोन के ईयरफोन लगाता हूँ और वो मेरे को सुनाता रहता है, मैं पढ़ते रहता हूँ। तो ब्रेल की जरूरत कहाँ पड़ी मेरे को? तो सर प्रॉब्लम ये है, ब्रेल जो है सर एक लिटरेसी है। लिटरेसी यानी एक फंडामेंटल स्किल ऑफ लिखना पढ़ना। और जब तक कोई इंसान या कोई बच्चा इनफैक्ट अपनी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होती है उनकी, ये जो स्किल लिखना और पढ़ना नहीं सीखेंगे ना, सर्टेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनके माइंड में नहीं होंगी। जैसे कि मैंने आपको एप्पल कहा, तो आपको दो चीज़ें आपके माइंड में आती है, एक एप्पल यानी कि रेड कलर का एक फ्रूट है, सेकेंड ए पी पी एल ई। ऐसे आपने पांच लेटर्स को जोड़ के एक वर्ड बना लिया, तो ये भी एक ऑटोमेटिक कॉग्निटिव ही है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस कितना हुआ एक डिवाइस में? आप कैसे बेचते हैं? खाली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू डायरेक्टली कस्टमर नहीं खरीदता या उनके पेरेंट्स नहीं खरीदते? $1,000 में तो इंडिया में कोई खरीदेगा नहीं इसको। इंडिया में आप कह रहे हैं 20 लाख बच्चों को जरूरत है। आपने बोला किसी इन्वेस्टर को जाके कि मैं इंडिया के 20 लाख बच्चों को ब्रेल सिखाऊंगा, ऐसे बोला आपने किसी इन्वेस्टर को? सर बोला है, बट द थिंग इज, देखो मैं आपको एक फंडामेंटल बता रहा हूँ, आप क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, पैसा मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब आप कहना आप अब पहले रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे, अब आपको एक हैवी वेट कस्टमर मिल गया, अब आपका माई बाप हो गया वो कस्टमर। अब वो इसमें छोटे छोटे चेंजेस कराएगा जो आप करने में लग जाओगे और वही आपका बेसिकली ब्रेड एंड बटर हो गया। पर जो आप रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे वो रेवोल्यूशन तो पीछे रह गई ना। आप हार्डवेयर बेचने पे आ गए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आप सिंपल एलेक्सा को पकड़ो, आगे जो हार्डवेयर है उसकी कुछ नहीं है, वो तो आपको फ्री में भी दे जाएगा क्योंकि उसको पैसे पीछे से कमाने हैं। आप वहां पे नहीं जा रहे सोच को लेके। आप ये सेम डिवाइस इंडिया में लगा देते हर जगह और बोलते एक घंटे के सेशन की ₹100 हैं, इस पे मैं QR लगा दूंगा। QR वो करा, ऑन हो गया जी आपका डिवाइस, एक घंटे तक चलेगा और आपके पीछे हिस्ट्री भी आ रही है और आप सॉफ्टवेयर में खेलते हैं इस पे। तो बड़ी गेम थी ना, आपको पहला ऑर्डर मिला आप हार्डवेयर की तरफ भाग लिए। इसमें गेम बड़ी बनेगी, आपको हार्डवेयर की कॉस्ट इतनी कम करनी है कि आपको फ्री में भी देना पड़े तो आपको चुभे ना। और इसमें आप पर सेशन कमाओ यार, सॉफ्टवेयर का गेम ही क्या है? फोन से थोड़ा पैसा कमाना है, फोन की क्या वैल्यू है? फोन के अंदर जो ऐप्स बैठी हैं उनकी क्या वैल्यू है? आप ये समझो। आपने जो फंडिंग रेज किया है टोटल कितना डाइल्यूट कर दिया अभी तक? 35%। इस साल का क्या रेवेन्यू होगा? सर आज के डेट तक 3.5 इज ऑलरेडी क्लोजिंग एट अराउंड 5। क्लोजिंग एट 5। क्लोजिंग एट 5 करोड़ ये साल करोगे, अगले साल कितना करोगे आप? अगले साल हमारा टारगेट 20 क्रॉस करना है। मुझे बहुत पसंद है आप क्या काम कर रहे हो, बहुत अच्छा मकसद है आपका। और इतने नौजवान लोग ऐसा मकसद लेके आगे निकले हैं तो कुछ तो आप बनाओगे। तो चलिए मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, आपको 30 लाख चाहिए फॉर 0.5%, तो आई विल ऑफर यू 30 लाख फॉर 2% ऑफ योर कंपनी। देखो 25-30 लाख रुपए से होने वाला नहीं है काम। मेरे को फंडामेंटल डिसअलाइनमेंट कहाँ हो रहा है कि आप दुनिया बदलने के चक्कर में फाइनली कहीं और भटकते जा रहे हैं। लोग आपसे कन्विंस नहीं है कि आप दुनिया बदल दोगे, तो आपको कोई बड़ी बैट नहीं खेल रहा आपके साथ। जो आपको बदलना है ना वो बड़ा बदलाव है, और वो बड़ा बदलाव के लिए बड़ी पिच बड़े सपने बेचने पड़ते हैं जो मुझे आता है। ऐसा सोचना पड़ेगा कि 20 लाख हिंदुस्तानी लोगों के पास पहले ये पहुंचे। मेरा आपको ऑफर है कि मैं आपको 30 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए दूंगा। मैं 5% इक्विटी लूंगा इसमें। मैं पीयूष के साथ 1/3 2/3 पे आना चाहूंगा अगर वो अलाउ करते हैं तो। मुझे नहीं लगता है कि आपका इतने डाइल्यूशन के बाद आपको और 5% करने चाहिए। माय ऑफर 30 लाख एट 1%। मेरे खुद के 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, प्लस मैं 200 और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से जुड़ी हूं फॉर आउटसोर्सिंग। मैं ये हर लेंसकार्ट स्टोर में इमीडिएटली अवेलेबल करा दूं फ्रॉम डे 1। उसमें अगर इन्वेंटरी कॉस्ट लगेगी वो भी मैं 0 कैपिटल कॉस्ट पे फंड कर दूंगा।
में 70 कंट्रीज में हूँ. अगर आपका एम्बिशन है टू गो ग्लोबल तो वहाँ हमारे बहुत नेटवर्क्स हैं. लेंस कार्ड भी US में है, मिडिल ईस्ट में है, साउथ ईस्ट एशिया में. वो 70 कंट्रीज के मैं नेटवर्क ला सकती हूँ. मुझे इस कॉज के साथ जुड़ना है, मुझे इसको रेवोल्यूशनरी बनाना है. Piyush wants to offer you 1 crore for 5% or 30 lakh for 1% which Namita is offering. I'll match that. But I need to work with you guys. I'll go lower possible. Than that. I'm willing to offer you 30 lakhs for 1% this plan. Main offer karna chahungi 30 lakh for 0.75%. मेरा ऑफर यही है कि इनका ऑफर ले लो. आप अमन किसकी तरफ रेफर कर रहे हैं कि इसका ऑफर ले लो? आप जरा स्पेसिफिक एडवाइस दे दीजिए ना उन्हें. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. चलो ठीक. आप चारों को ऑन बोर्ड लाना चाहेंगे. आप अपने अपने सेक्टर में अलग अलग मोटिवेशन से बहुत ही अकम्पलिश्ड लोग हैं. सो वी वुड लाइक टू ऑफर 1 crore फॉर 2.5% इक्विटी. चारों का 2.5% 1 crore के लिए. इतना इतना कम इक्विटी आप किसी को देंगे ना तो उनका सुबह उठ के आप मन नहीं करेगा कि आपसे बात करें. We'll count you. 1 crore for 4%. That's lesser than your previous offer. चार अलग लोग भिड़ रहे थे, आपने बोला चारों मिल जाओ. ठीक है, मिल गए. फिर महंगा पड़ेगा ना. मैं आपके साथ अकेले भी डील कर सकता हूँ 1 crore की 3% पे, पर आपको अभी बोलना पड़ेगा हाँ या ना. मतलब अभी क्या मतलब हुआ यार? ये क्या मतलब हुआ? हाँ या ना? ये क्या मतलब हुआ? ये हो सकता है? बोलो बोलो. और मेरा 30 लाख को 0.75. मेरे को अभी अभी जवाब चाहिए. अभी ना ना. ओह नाइस. 1 crore 4% ले लो. She's so clear. I love that. अब हमारा काउंटर एक्सेप्ट कर लो, हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे. I think 1 crore 4% is a good deal. क्योंकि किसी का मीनिंगफुल स्टेक नहीं होगा ना संस्कृति, तो आपको भी ज्यादा हेल्प नहीं होगा. वो सोचे ना, वो खुद ही अपने शाख का जो पत्ता काट रहा है बाद में आपका. चलो डिसाइड, आप लोग डिसाइड कर सकते हो. नमिता तो आज अलग ही. मुझे सचमुच करना है यार. इट्स अ ग्रेट कॉल. नमिता तो अलग ही गेम पे आई यार. तू टाइम देगा? मैं तो, मेरा तो पूरा सेटअप है, मैं तो ऑफिस दे दूंगा. 1 crore भी स्टिकर होना 4% पे, क्या प्रॉब्लम है? असली शार्क तो आप लोग निकले भाई. होपफुली अभी क्लोज होगा, तो पहले देखते हैं. वेरी गुड, कम ऑन. तो हमारा काउंटर ऑफर है 1.2 CR फॉर 3%. 30 लाख ईच. या 30 लाख ईच. मैं इससे बाहर हूं. मैं इनकी डील मैच नहीं कर रहा हूँ ऑन 0.75 30 लाख वाली. देखो, आपने 1 crore फॉर 4% रिजेक्ट करके यू लॉस्ट अ शार्क. 1 crore 3% यू वांट टू डू? देन यू विल गेट 3 ऑफ अस. नो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 35-35-35 कर लेते हैं तो 1% बन जाएगा ना. तो डज दैट वर्क फॉर यू? 35-35 फॉर 1% ईच. और हमारा फाइनल ऑफर इज 1.05 crores for 3% of the company. Shaksi, deal pakki. Super! Right? Ab Lenskart store pe aapko ye jo display karna hai, wo nahi hoga. Please call Prathamesh. Hum 3 sharks aa rahe hain. वरना केला आपके बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकता था. मेरे को बाद में जाके इन दोनों का 1-1% बहुत महंगा खरीदना पड़ेगा. I just wish from the bottom of my heart that you create many more Prathameshes for India. There he is. Prathamesh, ये आपके लिए. हम इनके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि we love you and we love the product. मैं पीयूष हूँ हाँ, लेंस कार्ड से. ये इतना नोबल कॉज के लिए किया, ये आप जो कर रहे हैं नोबल कॉज है. थैंक यू सो मच शार्क. एंड अमन सर यहाँ ये है. आपको मैं एक बात बताऊँ? हाँ बोलो. मैं इस बात से खुश हूँ कि जब भी हम हेडफोन स्पीकर या ऐसा कुछ लेते हैं तो हम जनरली इंटरनेशनल कंपनीज पे रिलाई करते हैं. मैं ना एक
ग्रेट इंडियन होते हुए कह सकता हूँ कि मैं बोट का प्रोडक्ट यूज करता हूँ, यूज करता था, यूज करूंगा और खरीदता था, खरीदता हूँ और खरीदता रहूंगा। बाय बाय। एक्चुअल मैं यहाँ के शार्क्स डॉल्फिन की तरह स्वीट हूँ, यार प्रॉपरली डॉल्फिन। सुरभिशा उम्र 30 और ये है मेरे पार्टनर। नमस्ते शाक्स, मैं चेतना शाह उम्र 55 और हम आए हैं भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से। तो शाक्स, जनरली ये सभी घरों का नजारा होता है। हम जब भी घर पे खाना ऑर्डर करते हैं वह इसी तरह के प्लास्टिक पैकेजिंग में मिलता है, पर हम इसमें सिर्फ गर्म खाना ही नहीं पर माइक्रोप्लास्टिक्स का भी सेवन कर रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स के कंजम्पशन से हम कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को हर रोज न्योता दे रहे हैं और हर साल हम पर्यावरण में 200 मिलियन टन प्लास्टिक स्पून्स, प्लेट्स और कंटेनर्स का अंबार लगा रहे हैं। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम सोल्यूशन लाए हैं कैरोबॉक्स। कैरोग्रीन में हमने रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल का मंत्र अपनाते हुए हमारा सोल्यूशन ढूंढा इन दिस बॉक्स। तो शख्स बताइए, कौन एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि कैरोबॉक्स कितना मैजिकल है? जनरली हम फूड बाहर निकालने के बाद डब्बा फेंक देते हैं, बट कैरोबॉक्स मैजिकल है। यूज होने के बाद हम इसे परफोरेशन से टेयर करेंगे और ये हमें मिल जाएंगी हमारा खाने खाने के लिए एक प्लेट। आपको इसको टैप करना है और ये है आपका चम्मच, आपका खाने खाने के लिए रेडी। ये जिस बोर्ड से बना है वो एक फूड ग्रेड बोर्ड है। कैरोग्रीन में हमारा सपना है कि कैरोबॉक्स हर एक फूड डिलीवरी में यूज हो और यही सपना पूरा करने के लिए हम आज कैरोग्रीन की तरफ से 50 लाख रुपीज हमारे कंपनी के 10% शेयर के बदले मांगने आए हैं। सो शार्क्स, हम इंदौर से आपके लिए लाए हैं पोहा और रतलामी सेव, जो हम कैरोबॉक्स के ही स्पून्स और प्लेट्स में आपको सर्व करना चाहेंगे। खाना भी खिलाओगे? वेरी गुड, अमेजिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। और बड़ा कन्वीनिएंट था तोड़ना। थैंक यू। थैंक यू, अमेजिंग। थैंक यू। पोहा किसने बनाया? मम्मी ने बनाया आज होटल में। इंदौरी रेसिपी। इंदौरी माँ बेटी। अच्छा, ये इंदौर का पोहा। इंटरेस्टिंग, पता क्या लग रहा है आज तक ना हमारे ना टीवी सीरियल जो आते थे ना उसमें सास और बहू की लड़ाई दिखाते थे और यू नो कभी सास बहू वो हो रहा है, आज आपको देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि बॉस इंडिया इंस्पायर होगा कि सास और बहू बिजनेस भी बना सकते हैं। वो वक्त निकल गया, इसीलिए ये शो वो सास बहू सीरियल को रिप्लेस कर रहा है। 21वीं सदी का भारत है जो अब सास बहू के रिलेशन तोड़ के एक माँ बेटी की जैसे भी रह सकते हैं। कैसे ये आइडिया शुरू किया, क्यों किया? सभी को अपने बचपन की ट्रेन जर्नीज याद होगी, जब हमारी सबकी मम्मियाँ टिफिन पैक करके ले चलती थी और तब अगर स्पून रखना भूल जाते थे तो हमें कार्डबोर्ड को ही फोल्ड करके उसका स्पून बना के भेल या उपमा या ऐसा कुछ खा लेते थे। तो बेसिक कंसेप्ट जो दिमाग में था वहीं से स्टार्ट हुआ था। सो मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ और फिर मैंने अपने फैमिली बिजनेस में एज एन इंटर्न या एम्प्लॉय काम किया है 2 ईयर्स एंड आई हेल्प सेट अप अ प्रिंटिंग यूनिट। वहाँ मैंने फैक्ट्री में देखा कि खूब सारा कार्डबोर्ड वेस्ट होता है, इट जस्ट गोज फॉर रिसाइकलिंग। कंसेप्ट बॉक्स का मेरा था पर इनका हिस्ट्री है, शी वॉज अ बेकर एंड शी वॉज लाइक शी थॉट हाउ टू मेक केक्स, तो एक्सपर्टीज इनका है कि कैसे होना चाहिए बॉक्स और कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए बेकरी बॉक्सेस। ये बिजनेस आप दोनों ने मिलकर शुरू किया है, सीईओ कौन है इस बिजनेस का? शुरू मैंने किया है 2 साल पहले, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था IIM बैंगलोर में इन द टॉप 100 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो वहाँ पे हमने 10 आइडिया सबमिट की थी और फिर ड्रिल डाउन होके हमने ये एक आइडिया फाइनल हुआ था। तो अभी तक इस आइडिया को आपके फैमिली ने फंड किया है? नहीं, हमको IIM बैंगलोर से 7-8 लाख ग्रांट मिला था, तो मेरा वही मनी अभी तो अंदर। आपने बताया कि वो प्लास्टिक बॉक्स का सब्स्टिट्यूट है
मैं इस बॉक्स के बारे में ना नहीं सोचूंगी जब कोई ग्रीजी चीज हो या कोई करी वाली चीज हो जिसमें लीकेज की पॉसिबिलिटी है, तो इट्स नॉट रियली अ सब्स्टिट्यूट। बट हम जब टेक अवे बॉक्सेस मंगवाते हैं तो आपको जो प्लास्टिक बॉक्सेस आते हैं उसका सब्स्टिट्यूट अभी मार्केट में आ गया है, द कार्डबोर्ड बॉक्सेस, उसको आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। द ट्रायल्स विच वी हैव डन, उसमें ये बॉक्स के अंदर, जैसे आप कह रहे हो नूडल्स हैं, वो इसे नहीं खा सकते, बट इसमें अंदर पैक करके वो लोग डिलीवर करते हैं एंड देन यूज द स्पूंस एंड प्लेट्स। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रमाण में प्लास्टिक हम कम करते ही है। और इसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस अराउंड 11.5 एंड सेलिंग प्राइस इज 15। सुरभि, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अभी तक कितने बॉक्सेस मैन्युफैक्चर किए हैं और कितने सेल करा है और आपके कितने क्लाइंट्स हैं? We have 5 big customers. हल्दीराम्स हमारा काफी बड़ा कस्टमर है, उनका जो पैकेजिंग आता है भेल और सोन पापड़ी का, उसमें हमारे चम्मच जा रहे हैं। बालाजी स्नैक्स करके है, वो एक बड़े कस्टमर है। तो ऐसे मिला के हमारे मंथली 4-5 लाख स्पून्स सेल होता है। वैल्यू वाइज कितना हुआ? 80,000-90,000। एज पर से बॉक्स का सेल अभी हमारे पास नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि अभी वो सैंपल्स में ही जा रहे हैं। हल्दीराम को कैसे सेल किया, किसने सेल किया, कैसे कस्टमर बना? आसान तो नहीं है हल्दीराम में कुछ भी बेचना? बिल्कुल आसान नहीं था। हल्दीराम में पहले हम उनके रेस्टोरेंट्स में गए, तो हमने वहाँ रेस्टोरेंट में उनका ही फूड हमारे स्पून से ट्राई किया। वेरी गुड। तो हमको लगा कि why not हल्दीराम, फिर हमने उनको मेल डाला। अच्छा। और तब प्लास्टिक बैन हुआ था लकीली उस साल, तो हमने फिर जहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स थे सब जगह प्लास्टिक बैन का मैसेज लिखा कि 1 जनवरी से सब जगह बैन होने वाला है और हम ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूट ले आए आपके लिए। तो फिर हमने सैंपल्स भेज दिए उनसे एड्रेस मंगवा के। तो पहली मीटिंग थी जब उनको सैंपल्स मिल गए थे, उसके बाद तो उनको वो आइडिया अच्छा लगा। आपके पास पैटेंट है इसका? अप्लाइड, यस। यूटिलिटी पैटेंट, डिजाइन पैटेंट, मतलब इस ऐसे कोई नहीं बना पाएगा अगर पैटेंट मिल गया। द कांसेप्ट, द प्लेट एंड स्पून जो बॉक्स में है वो कांसेप्ट। अभी जैसे आपने 4-5 ईयर रिटेल बड़े वाले पकड़े, अगर आपने यही जोमेटो और स्विगी के साथ कभी सोचा है कि अगर मैं उनका टाइप कर लूं तो उनकी कितनी कटलरी बचेगी? क्योंकि बस वही कोशिश जा रही है अभी, मेल्स एचआर, मतलब वो वाला प्रोसेस चल रहा है। और मैंने उनको ये भी प्रपोज किया है कि डू नॉट सेंड कटलरी में और एक ऑप्शन है, डू सेंड विद कैरोबॉक्स। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ही कस्टमर को पता चलेगा कि कुछ नया आया और आपकी ब्रांडिंग भी होगी। ब्रांडिंग वेरी क्लेवर। तो सुरभि, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, नॉवल है, आपने पेटेंट की बात तो करी, बट मेरे को नहीं लगता कि अगर ये कॉन्सेप्ट चल भी जाएगा तो बाकी लोग कॉपी नहीं करेंगे। आप 1 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं एंड आप इकट्ठे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बट मेरे को इसमें एक स्केलेबिलिटी नहीं दिख रही। तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई एम आउट ऑफ दिस, बट आई लेट द अदर शार्क्स डिसाइड। थैंक यू सो मच। जब मैं फूड प्रोडक्ट लेती हूँ तो बॉक्स अपनी जगह होता है और खाने का जो इको फ्रेंडली प्लेट या स्पून वो मैं अलग से लेती हूँ। ये इतना मुझे स्टर्डी भी नहीं लग रहा है, ग्रीस प्रूफ, ऑयल प्रूफ नहीं लग रहा है, इतना कंफर्टेबल नहीं है ये स्पून से खाना, तो मैं इस प्रोडक्ट को इतना रिलेट नहीं कर पा रही। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू सर। मुझे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। अगर पेटेंट मिल जाए तो आपका ये इंडिया का ग्लोबली भी जा सकता है। देयर इज नथिंग व्हिच आई कैन ऐड वैल्यू, मेरा कोई काम नहीं है। You keep growing and all the best and I am out of this. Thank you so much. मैं कुछ कहना चाहूँगा। अभी आपका बिजनेस शुरू के स्टेज पे है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है कि खाली ये बॉक्स में और चम्मच में पड़ गए ना तो इतना बिजनेस नहीं बन सकता। लेकिन आप दोनों जो हैं साथ में, एक जोश और सद्बुद्धि की जो कॉम्बिनेशन होती है ना, मुझे वो दिख रही है। तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगा, 25% के लिए मैं आपको 50 लाख रुपये दे सकता हूँ और आपकी हेल्प। अनुपम, आई विल जॉइन यू ऑन दैट ऑफर। मैं अनुपम के साथ ये ऑफर में पार्ट करने के लिए रेडी। आप सोचना चाहेंगे 2 मिनट? तो सोच सकते हैं। इट इज अमेजिंग हाउ दे आर कंसल्टिंग राइट एंड देयर मदर इन लॉ। इनके बर्तन बचते ही नहीं है ना, बर्तन है ही नहीं। कार्डबोर्ड है। अश्नीर ने एक बहुत अच्छा जोक मारा है कि आपके बर्तन बचते नहीं है क्योंकि आपके घर में बर्तन है ही नहीं।
ये मैं जरूर नेक्स्ट टाइम यूज करूंगी। तो सास बहू नहीं कहूंगा, सास बेटी ने क्या डिसाइड किया? हमने ये डिसाइड किया है कि अगर आप लोग दोनों 12% में हमारे साथ सेम अमाउंट पे आ पाए, क्योंकि हम एकदम इनिशियली इतना सारा शायद स्टेक नहीं दे पाएंगे दो लोगों को इनले। आपसे सबसे पहले निगोशिएट करना ही मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। हाँ, मेरे लिए भी है ना। हमें आपकी मुस्कान से ही घायल कर रहा है। लेकिन अंत में ये बिजनेस है, तो हम आपको काउंटर काउंटर करते हैं और 20% हम आपके साथ हैं। आप दोनों दोनों लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। बिल्कुल। ओके डील। चेक लिख लें पहले। चेक लिख ली। मैंने तो लिख लिया है। वेरी इंप्रेसिव। आपने ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और कैरेक्टर। थैंक यू। वेरी नाइस मीटिंग यू। कांग्रेचुलेशंस एंड लुक फॉरवर्ड टू मेकिंग द बेस्ट इको फ्रेंडली ब्रांड इन द कंट्री। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक गाड़िया। मैं मुंबई से हूँ और दयान बाजार का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। दयान बाजार एक एंड टू एंड बिजनेस टू बिजनेस यार्न मार्केटप्लेस है, जिधर हमारा विजन है एक अनऑर्गेनाइज टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज बनाना। टेक्सटाइल जैसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में तो काफी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट हुए हैं, बट सेल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, परचेजेस है, मार्केटिंग है, ये आज भी वैसे ही है। तो यान बाजार इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहा है। हम एक ऐसा मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिधर हम यान बाइंग और सेलिंग को इजी बना रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग अ वन स्टॉप यान सॉल्यूशन। तो शार्क्स, मैं इधर अपनी कंपनी में 2% इक्विटी के सामने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट लेने आया हूँ। प्रतीक, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। तो आपको कितना एक्सपोजर है इस इंडस्ट्री का? तो वैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन टेक्सटाइल्स हूँ। अपना अंडरग्रेड कंप्लीट होने के बाद एक साल अपने फैमिली बिजनेस में था, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्वाइन ही नहीं करनी है। आपका पेन पॉइंट क्या था जिससे आपने सोचा कि मैं ये करूंगा? एक्चुअली कैसा है, कोई भी फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कैसा है कि बहुत कॉस्ट सेंसिटिव इंडस्ट्री है। सबसे पहले एक तो आपको है ना बार बार मल्टीपल सप्लायर्स को फोन करना पड़ता है उनसे जानने के लिए बेस्ट प्राइस क्या है। अब कभी कोई सप्लायर आपको रेट अच्छा दे रहा है तो डिलीवरी टर्म्स मैच नहीं हो रहे हैं, डिलीवरी टर्म्स मैच हो गए तो आपके पेमेंट टर्म्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो हर स्टेज पर है ना इनएफिशिएंट और ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण बहुत प्रोडक्शन लॉस होते हैं। उस वजह से क्या होता है, कॉम्पिटेटिव रेट्स में अपना कपड़ा नहीं बेच पाते हो, तो आपका टॉप लाइन भी अफेक्ट होता है और फिर आपका बॉटम लाइन भी अफेक्ट होता है। बेसिकली सप्लाई चेन ब्रोकन है, और सप्लाई चेन ब्रोकन है तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उसको स्ट्रीमलाइन करने का, तब जाके मैंने ये चालू किया दयान बाजार। तो आपका जो ये जो पूरा मॉडल है एक बार हम इसमें देख सकते हैं? हाँ जी, श्योर। तो ये हम जो भी नया प्रोडक्ट बना रहे हैं वो है बेसिकली एक कम्युनिकेशन, पूरा चैट बेस्ड है। तो बायर का मैसेज आया, अकॉर्डिंगली चैटबॉट से एक ऑटोमेटेड मैसेज जनरेट होकर उनको चला गया। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट जनरेट होती है उसके हिसाब से हमारी टीम उनको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस इधर देगी, क्वालिटी क्या है, सप्लायर कौन है, क्वांटिटी क्या है और प्राइस क्या है। वो कोई भी कोटेशन सेलेक्ट करेंगे तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पेमेंट इज ड्यूरिंग डिस्पैच। आप कोई भी ऑर्डर के ना डिटेल्स देख सकते हैं कि कब कितना पार्ट लोड डिस्पैच हुआ था, उसके डॉक्यूमेंटेशंस क्या है, उसका अनलोडिंग किधर किधर करना है, पूरा आप इधर हिस्ट्री देख सकते हैं। हमने जुलाई 2019 में ऑपरेशन चालू किया था, जस्ट बिफोर कोविड, और जुलाई 2019 से अभी तक हमने टोटल 212 करोड़ के ऊपर के ट्रांजैक्शंस किए और 100% एडवांस पेमेंट। 100% एडवांस आल्सो, यस। इसको क्या एस्क्रो में करते हो आप पेमेंट? हां, सो एक्चुअली हम खुद एक एस्क्रो है, तो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हमारे उसके थ्रू रूट होते हैं। अच्छा, तो सप्लायर हमें बिल करते हैं, हम बायर को बिल करते हैं। पिछले महीने आपने कितना ट्रांजैक्शन किया और उसमें आपका कितना कट है? पिछले महीने हमारा 10 करोड़ का ऑर्डर साइज था जिसमें हमारा रेवेन्यू था 15 लाख। आपका रेवेन्यू था 15 लाख, तो आप 1.5% लेते हैं? हमारा कमीशन वेरी होता है 0.5 से 1.5% के बीच, डिपेंड करता है क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। बट अगर एक बार बायर और सेलर एक दूसरे से मिल जाएंगे और उन्हें पता लग जाएगा कौन है, तो वो तो हम आपके थ्रू आपको 1.5% क्यों देंगे, क्योंकि बहुत कमोडिटाइज मार्केट है,
जिसमें मार्जिन बहुत कम है। प्रॉब्लम यही है ये इंडस्ट्री। बट हमारे साथ हमने ये नोटिस किया कि बिकॉज हमारा जो एक अश्योरेंस ऑफ सर्विस है, क्वालिटी ऑफ सर्विस है, तो हमारे साथ हमारे हर बायर का ना वॉलेट शेयर इंक्रीज हुआ है। एंड नॉट जस्ट दैट, हमारे बायर्स ने हमें सप्लाइज दिए और हमारे सप्लाइज ने हमें उनके बायर्स हमारे थ्रू दिए। अच्छा, हमारे साथ आज तक एक सिंगल ट्रांजेक्शन, हमने टोटल 1300 ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं, एक सिंगल ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें सप्लायर ने या बायर ने कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया। जो आप कर रहे हैं कोई और नहीं करता है। सिंगल इंडस्ट्री एंड सिंगल प्रोडक्ट फोकस, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ऐसा अभी है नहीं। अच्छा, मैं अपना डिसीजन सुनाना चाहूंगी। डेफिनेटली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और स्पेशली अनऑर्गेनाइज और स्मॉलर प्लेयर्स के लिए जैसे कि आपने बताया, लेकिन इस एरिया में मेरा एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है, तो उस वजह से मैं आउट। I understand. Thank you so much. आपकी टीम के बारे में बताएंगे, कौन-कौन है टीम में? मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ। विशाल दारक है, who's the co-founder and CEO, जनवरी 2020 में हमसे जुड़े। क्या बैकग्राउंड है उनका? वो भी मेरे जैसे ही बैकग्राउंड है उनका, फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल में है। उन्होंने अपना मास्टर स्पेन से आई बिजनेस स्कूल से किया है। हम जब मिले तो वो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल भी मेरे तरह ज्वाइन करना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, और उनकी कितनी इक्विटी है? उनको 8% स्टार्टअप इक्विटी दिया था और 10% ESOP स्टैगर्ड ओवर द नेक्स्ट 4 इयर्स, तो टोटल 18%। हाँ जी, वेरी गुड। एक तीसरा को-फाउंडर एंड स्ट्रेटजी हेड है अक्षत दोषी, उनको 5% इक्विटी दिया था। टेक टीम क्या है आपका, कौन बनाता है ये ऐप वगैरह क्या है? अभी तक आउटसोर्स है, बट फाइनली हमें एक CTO ज्वाइन करे December 1st को। ओके, उनका 15 साल का टेक लीडरशिप एक्सपीरियंस है, इसके पहले वो एक लीडिंग फिनटेक में CTO एंड चीफ आर्किटेक्ट थे। और उनको इक्विटी दिया आपने? हाँ, तो बिकॉज हम अभी कैश अफोर्ड नहीं कर सकते कैश फ्लो के कारण, उनको 5% ESOPs दिया है। 5%? हाँ जी, दैट्स नॉट बैड। सो मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। ये तो टेक्नोलॉजी पार्टनर आपका इनहाउस होना चाहिए था, जो मुझे लगता है। सेकंड, जो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट भी जा सकते हैं आपस में, यू नो, इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज जो होती है उसी का उनका गेम होता है, और वो ज़्यादा ओपनली ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अभी इसमें घुसना मेरे लिए ठीक नहीं है। इस बिजनेस में रिस्क क्या है? एक रिस्क है प्रोडक्ट के लिए कि आप अगर राइट प्रोडक्ट अगर बायर्स को नहीं दे रहे हो, बायर तो आप पे भरोसा करके ले रहा है, तो रिजेक्शन रेट हाई हो सकते हैं। दूसरा, हमारे नजर में एक रिस्क हो सकता है ट्रेड फाइनेंस। हमें शुरू से मालूम है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, की उधार बांट के तो हम लोग कितना भी काम कर सकते हैं, बट एडवांस पेमेंट का जो बिजनेस है वो बहुत सेफ है। बिल्कुल, ऑब्वियसली हमें ट्रेड फाइनेंस बिल्ड करना है, बट हमें फिर उसका जर्नी है ना, एक हमारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड बिल्ड करके ही चालू करना है। एक और सवाल पूछता हूँ मैं, आप ये जो सप्लायर है, आप उसके एक स्टेप पीछे नहीं जा सकते? सर, आई एम वेरी हैप्पी आपने ये सवाल पूछा। तो हमने एक चीज़ और रियलाइज की कि बायर को जनरली क्या चाहिए कि उसी डी, उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छा प्राइस चाहिए और टाइमली डिलीवरी चाहिए। करेक्ट। उनको उतना ये नहीं है कि मेरे को ये मिल का माल चाहिए, एज लॉन्ग एज आप उनको अश्योरेंस दे सकते हो। टू एड टू दैट, साउथ में बहुत सारी छोटी यार्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जिनके पास मार्केटिंग बैंडविड्थ नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है। बिल्कुल। तो हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम चालू किया है। हमारे पास कुछ स्पिनिंग और मिक्सिंग एक्सपर्ट्स है जिनके साथ हम लोग प्रोडक्ट अचीव कर रहे हैं। वेयर द आइडिया इज कि हम ये छोटे मैन्युफैक्चरर जो ऑलरेडी बड़े मैन्युफैक्चरर जॉब वर्क कर रहे हैं, खुद का माल नहीं बेच रहे, उनके साथ हम लोग व्हाइट लेबलिंग कर और हमारे नाम से माल आगे बेचे, विच विल ऑल्सो इंक्रीज आर टेक रेट। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा तभी बात बनेगी। एब्सोल्युटली सर। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि सप्लायर डिपेंडेंसी हमारे पास आ जाएगी। बिल्कुल, हम बायर को कंसिस्टेंट क्वालिटी दे पाएंगे। एब्सोल्युटली। और आप वो कंट्रोल करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। जब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो जाएगी, बायर तो ऑटोमेटिकली लाइन लगाएगा। मैं आपको ऑफर देना चाहता हूँ अनुपम। मैं और अनुपम आपको कंबाइंड ऑफर देना चाहते हैं। भाई आप मैं और अश्नीर भी आपको ऑफर देना चाहते हैं। तुम तो आउट हो गए थे। तुम तो आउट हो गए थे। उन्होंने अभी अपनी बाकी बातें बताई। अच्छा, ठीक है। ऐसा ही। हम भी अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहे हैं। कमाल है। आउट हो के इन और। हाँ, हो रहा हूँ। मेरी मर्जी। मेरे पैसे। मैं बात तो करने दो यार मेरे को किससे। तो हम दोनों मिलके अमन एक बार बात कर ले हम आपस में। चलो कर लो। प्रतीक, एक रिक्वेस्ट, अब एक मिनट के लिए बाहर आएंगे। ये सही रहेगा। श्योर सर। फोर ऑफ अस यार। इट्स ओके यार, लेट्स कम। हाँ भाई बता दो, क्योंकि लड़के तो ये होगी नहीं डील। ये अड़ियल है और मैं बिल्कुल अड़ियल हूँ। आपने मुझे अड़ियल बोला? बताओ क्या करना है? ये अभी कितने दिन आया था परसेंटेज? ये देने आया था 50 लाख और 2%, मतलब 1 करोड़ का 4 हो गया।
पहले डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि मुझे पता है बीच में कोई ना कोई जाके बोलेगा मैं कर रहा हूँ। नहीं मैं ऐसा नहीं करता। आपने किया ऐसा मुझे पता है, एंड में जाके बोलेंगे मैं कर रहा हूँ। पर मेरे को लीड करने दे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये ऑफर दे के आप बोलो मेरा एक सेकंड ऑफर भी। यार थोड़ा तो विश्वास करो यार। क्या क्या ड्रामेबाजी चल रही है। चलो भाई आन दो। प्रतीक वेलकम बैक। आपको अश्नीर बताएंगे हम क्या सोच रहे हैं। अच्छा बिजनेस कर रहे हैं ठीक है, तेरा पैशन है, तेरे को समझ है इंडस्ट्री की। सॉल्व जो ये करना है इसमें क्रेडिबिलिटी लानी है स्टोरी में, और हमको ये लगा कि अगर हम दो दो करके आएंगे उसके अगेंस्ट अगर हम चारों आते हैं तो आपकी नैरेटिव और बेटर हो जाएगी, हमको ऐसा लगा। आप डिफर कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये 50 लाख से नहीं बनने वाला। मतलब मैं इतने टेक हायरिंग करता हूँ, मेरा क्वार्टर का BMW बाइक्स देने का बिल 50 लाख आता है ठीक है, तो उससे नहीं बनने वाला। मैंने मार्केट बिगाड़ी मैं बता सकता हूँ। ये बात सच है। तो इसके लिए हम तेरे को एक बेटर ऑफर दे रहे हैं। हम चारों आएंगे, सो अमन चार, मैं पीयूष अनुपम चारों आ रहे हैं, जो कि काफी रेयर है। मतलब आप नॉर्मली हम भिड़ लेते हैं, बैठे भी सर थोड़ा ऐसे, हाँ ऐसे ही वो जानबूझ के ऐसे बैठा है। हाँ। तो और हम तेरे को देंगे 1 करोड़ रुपए। क्या बात कर रहे हो। बट हमारे को इसके अगेंस्ट 10% चाहिए, और उसका रीजन मैं बताता हूँ कि इसमें मेहनत बहुत है और रिस्क बहुत है। तो चल यार अब डिसाइड कर, तू तो डिसाइसिव लड़का है। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। चार लोग का आना, ऑफर देना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि आपको मेरा विजन शायद उसमें कुछ दम लगा। जैसे आप बोल रहे कि 1 करोड़ पे राउंड क्लोज करेंगे, 1 करोड़ से मेरे ख्याल से उतनी रनवे नहीं मिलेगी जो अपने को एक सीरीज ए तक लेकर जाए। बिटवीन मी अनुपम अश्नीर एंड अमन, आई डोंट थिंक देयर इज एनी वेंचर कैपिटलिस्ट इन इंडिया आपको मिलना चाहिए और ठीक से सुनना चाहिए, तो मैं इस बात की तो गारंटी ले रहा हूँ कि जिसको मैंने बोल दिया वो तो आपके साथ पूरा 1-1.5-2 घंटा लगाएगा इसको सुनने के लिए। No question about it, यार। प्रतीक मैं आउट हूँ, but this is a great offer. I'm interested, but valuation को लेकर थोड़ा सा उसको round को अगर बढ़ा सके 1.25 crore तक। भाई देख बहुत बात हो गई, तेरे पास offer table पे है, तू call ले। ले ले प्रतीक, it's a great deal. ठीक है सर, let's have a deal. करेंगे कुछ बड़ा कर। Good stuff, good stuff. आपने पुश किया मैम। नमिता जी ने पुश किया, एक सेकंड फैक्टर वो है हाँ बोलने का। गुड डील यार, सुपर, मजा आ गया। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ कैरागरी, नाम पसंद आ गया मुझे। मैंने काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जितना आइडिया अच्छी बात है पर इवेंचुअली एंटरप्रेन्योरी इट्स योर बेटिंग ऑन द पर्सन। मैंने तो लेंस कार्ड ऐसे ही बनाया है, एक एक चश्मे की यू नो लोगों के चश्मे खरीद के, दुनिया के खरीद के, ट्राई कर करके, तोड़ के, सिंगल हैंडेडली।